सो फाइनली यार काफ़ी लंबे समय के इंतज़ार के बाद पोको M2 Pro डिवाइस में MIUI 13 बेस्ड ऑन Android 12 का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना स्टार्ट तो हो गया है। सो गाइज इस अपडेट में आप लोगों को क्या कुछ न्यू फीचर्स देखने के लिए मिला है करेंगे इसका फुल रिव्यू। इसी के साथ में हम बात करेंगे कि जिन पोको M2 Pro डिवाइस के यूजर्स को MIUI 13 बेस्ड ऑन Android 12 का अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है तो फाइनली यार उन्हें अपडेट कब तक देखने के लिए मिल जाएगा। सो गाइज अगर आप भी हैं पोको M2 Pro डिवाइस के यूजर्स तो यार आप वीडियो को ना शुरू से अंत तक जरूर वॉच करना बिकॉज में भी आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना। इसी के साथ में अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो यार लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, हो सके तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली यार पोको M2 Pro डिवाइस में MIUI 13 बेस्ड ऑन Android 12 का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना स्टार्ट हो गया है। इस अपडेट का फाइल साइज आप लोग को 2.6 GB का देखने के लिए मिलता है। एंड गाइस इस अपडेट का वर्जन आप लोग को MIUI 13.0.1.0 SJPINXM का देखने के लिए मिल जाता है। एंड गाइस अगर हम बात करें कि ये अपडेट में आप लोग को क्या कुछ न्यू चेंजेस देखने के लिए मिलता है तो यार यहाँ पे ना आप लोग को अगस्त 2022 का सिक्योरिटी पैच देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद गाइज और कुछ आप लोग को MIUI का फीचर से देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि यार MIUI 13 का आप लोग को सारा का सारा फीचर्स इस अपडेट में देखने के लिए मिल जाता है। एंड गाइज हम आप लोग को कई सारे वीडियो में बताए थे कि आप लोग के पोको M2 Pro डिवाइस में MIUI 13.0.1.0 वर्जन का अपडेट अक्टूबर महीना के एंड वीक में देखने के लिए मिल जाएगा। एंड गाइज अक्टूबर महीना के एंड वीक से पहले पहले पोको M2 Pro डिवाइस में अपडेट देखने के लिए मिल गया है। तो यार इस अपडेट में आप लोग को क्या कुछ है MIUI 13 का न्यू फीचर से देखने के लिए मिला है इसके बारे में हम एक फुल वीडियो लाने वाले हैं। सो गाइज अगर आप भी हैं पोको M2 Pro डिवाइस के यूजर्स तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना क्योंकि हम पूरे फीचर्स के बारे में एक वीडियो लाने वाले हैं। सो गाइज अगर हम बात करें कि जिन पोको M2 Pro डिवाइस के यूजर्स को MIUI 13.0.1.0 वर्जन का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है तो उन्हें अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा, तो देखो यार अभी जो अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हुआ है वो सभी पोको M2 Pro डिवाइस के यूजर्स को नहीं मिला है, अभी ओनली पायलट यूजर्स को ये अपडेट देखने के लिए मिला है। एंड गाइस आप लोगों को मालूम होगा कि पायलट यूजर्स को जो अपडेट प्रोवाइड कराया जाता है वो टेस्टिंग पर्पस के लिए ही अपडेट प्रोवाइड कराया जाता है। सो गाइस अगर पायलट यूजर्स को ये अपडेट में कोई भी मेजर बग एंड इशू देखने के लिए नहीं मिलता है तो उसके अप्रॉक्स 1 वीक बाद अपडेट सभी यूजर्स के लिए रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस जो पोको M2 Pro डिवाइस के जो पायलट यूजर्स हैं उन्हें तो अपडेट देखने के लिए मिल गया है। एंड गाइस जो पायलट यूजर्स नहीं है वो थोड़ा सा वेट कर ले गाइस, आप लोगों को भी अप्रॉक्स 1 वीक के अंदर अंदर सभी यूजर्स के लिए अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एंड गाइस आप लोगों को मालूम होगा कि सभी यूजर्स के लिए भी अपडेट जो मिलना स्टार्ट होता है तो अपडेट उसमें से भी कई सारे बैचेस में देखने के लिए मिलता है एंड अपडेट अप्रॉक्स 1 आवर के लिए ही देखने के लिए मिलता है। सो गाइस इसी वजह से आप थोड़ा सा अलर्ट रहना, सेटिंग एंड सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करके अपडेट को चेक करते रहना। एंड गाइस अपडेट जो आप लोगों को अभी देखने के लिए मिला है तो आप कैसे डाउनलोड करेंगे कि आपके डिवाइस में कोई भी मेजर बग एंड इशू देखने के लिए ना मिले, तो देखो यार अपडेट का फाइल साइज आप लोगों को 2.6 GB का देखने के लिए मिला है क्योंकि आप लोगों को 2 अपडेट एक साथ में देखने के लिए मिलता है MIUI 13 एंड Android 12 का, इसी वजह से फाइल साइज थोड़ा सा लंबा देखने के लिए मिला है। तो यार आप जो अपडेट को डाउनलोड में लगाएंगे ना तो आप अपडेट को कंटिन्यू में डाउनलोड करना, आप कहीं पर भी अपडेट को पॉज मत करना। अगर आप अपडेट को पॉज करके फिर से डाउनलोड मिला के इंस्टॉल करते हैं तो आप लोग को कोई भी मेजर बग एंड इशू देखने के लिए मिल सकता है। अगर आप अपडेट को कंटिन्यू में डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करते हैं तो हो सकता है कि आप लोग को कोई भी मेजर बग एंड इशू देखने के लिए ना मिले। सो गाइस पोको M2 Pro डिवाइस में MIUI 13 बेस्ड ऑन Android 12 का अपडेट सभी यूजर्स के लिए मिलना स्टार्ट होगा तो आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे इसी चैनल पे न्यू वीडियो के जरिए। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना। इसी के साथ में अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।